क्या आपको भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नोटिस आई है ईमेल से? दोस्तों, पीएमएलए ने कई लोगों को नोटिस भेजी है और वंडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास नोटिसेस क्यों आ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि पीएमएलए क्या है और एफआईओ आईएनडी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन मिलानी, रियल एस्टेट व्यवसाय से 32 साल से जुड़ा हूं और ऐसे ही एडुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मैं शेयर करते रहता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पीएमएलए और एफआईओ के बारे में बात करेंगे, जो मैटर ऑफ कंसर्न है कई रियल एस्टेट एजेंट्स और कंसल्टेंट्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले, ये नोटिसेस केवल उन्हीं लोगों को भेजी गई हैं जिनकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, यानी वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप 20 लाख क्रॉस करते हो अपना एनुअल टर्नओवर, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है और रेरा रजिस्ट्रेशन तो आपके पास है ही। तो सबसे पहले, व्हाट इज पीएमएलए? ये 2002 नवंबर में बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जो इलिसिट तरीके से, यानी दो नंबर का पैसा एक नंबर में कन्वर्ट करना अलग अलग तरीकों से, जिसमें प्रॉपर्टी भी एक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है। रियल एस्टेट इसका बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि रियल एस्टेट में कैश की बहुत सुविधा हो जाती है कई जगहों पे। शायद टायर वन सिटीज में अभी खत्म हो रही है, लेकिन छोटे सिटीज में या लैंड्स में इसका चलन आज भी है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि पीएमएलए के इम्प्लीकेशंस क्या है। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। जब कोई क्लाइंट रियल एस्टेट ब्रोकर या एजेंट के पास आता है, रियल एस्टेट एजेंट के लिए बहुत जरूरी है कि जब वो क्लाइंट के साथ डील करता है तो वो उनका आधार, पैन और सारे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स देखें, उनको वेरीफाई करें और उसके बाद ही उसका ड्यू डिलीजेंस लेकर के उसको आगे बढ़ाएं। नंबर टू इज रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस आपके नजर में आते हैं, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन कि आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को इमीडिएटली इतला करें, दैट इज एफआईयू। एफआईयू इंडिया ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2004 में बनाया था, गवर्नमेंट की एजेंसी है ये, जिनका काम है सारी देखरेख करना कि पैसा कहाँ से आ रहा है इंडिया में, इंटरनेशनल तरीके से कहीं बाहर से पैसा आ रहा है, उस पैसे का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। एफआईयू इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ इनका कोऑर्डिनेशन होता है और सब पैसों की इंफॉर्मेशन आगे शेयर की जाती है। इसका पर्पस ये भी है कि टेररिज्म फंडिंग ना हो, कि पहले शायद देखा गया है तो इसकी वजह से ये इन्वॉल्व किया गया है, और इसमें रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को या रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस जो करते हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर किसी रीजन से हमको सस्पेक्ट आया और हमने वो उसका इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाई एफआईओ तक, तो इसके लीगल रिपरकशंस हमारे साथ भी हो सकते हैं। तो आते हैं पीएमएलए के पॉइंट नंबर 3 पर, रिकॉर्ड कीपिंग। हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हमें कम से कम 5 साल तक रखना होगा, क्योंकि कभी भी अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की लिंक कहीं से आती है तो वो हमारे तक भी स्क्रूटनाइज करते करते गवर्नमेंट की एजेंसीज पहुंच सकती है, और दैट टाइम अगर हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसका भुगतान हमें भी करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 इज इंक्रीज्ड स्क्रूटनी। जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे स्क्रूटनी बढ़ाई जा रही है, और ये ध्यान दिया जा रहा है कि जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, जहाँ कैश डालने की ज़्यादा संभावना है, उन ट्रांजेक्शन पे गवर्नमेंट की नजर होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हमारे जरिए जो भी हो रहा है। पॉइंट नंबर 5 इज कंप्लायंस ट्रेनिंग। रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को ये बहुत जरूरी है कि अपने स्टाफ को ट्रेन करें, उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करें उनको ट्रेन करने के लिए, ताकि वो हर चीज समझें इस लॉ की, ना केवल एज ए कंप्लायंस बट एज ए लॉ, कि ये चीज से उनको बिल्कुल सतर्क रहना है, और कोई भी अगर उनको समझ आती है चीज तो वो आप तक उनको रिपोर्ट पहुंचानी है। और इसमें एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज भी उनको समझना बहुत जरूरी अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं किस तरह आप इसको इंश्योर कर सकते हो कि रियल एस्टेट प्रैक्टिस में आप इन सब कंप्लायंसेस को अधियर कीजिए। अगर आप रेरा और जीएसटी से रजिस्टर्ड हैं, तो आपको एफआईओ इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आपको केवल एक मेल लिखनी है उनको, आपकी सारी डिटेल्स उसमें डालकर, और उसके बाद वो आपको रिप्लाई करेंगे, जिसमें आपको आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स भेजेंगे, यानी लॉगिन और पासवर्ड। वो यूज़ करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अपने फॉर्म को, जिस नाम से आपका रेरा और जीएसटी है उस नाम से आप रजिस्ट्रेशन वहां कर सकते हैं एफआईओ इंडिया के, और आपकी कंप्लायंसेस वहीं से शुरू हो जाती हैं। सेकेंड इज स्टे इन्फॉर्म्ड। ये नए नए लॉज आते रहते हैं, अगर हम ये बिजनेस कर रहे हैं सीरियसली, सो इट्स वेरी मैंडेटरी फॉर अस टू कीप अपडेटेड रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है। तो आपके पास सर्कुलर्स आते हैं, नोटिस आते हैं, तो डोंट टेक देम लाइटली,
प्लीज अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट सो दैट ये आपको कहीं आगे जाके बिजनेस में तकलीफ ना दे। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे KYC वगैरह करने के लिए कई बार मैनुअल प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, तो कई ऐप्स आते हैं, कई और तरीके हैं वो इंश्योर करने के, जिसमें आपका मैन पावर कम खपेगा और आपका काम आसानी से हो सकता है। कई कंपनीज इसको यूज़ करते हैं, कई फर्म्स इसको यूज़ करते हैं, आप भी उनको यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के जरिए काफ़ी काम आपका आसान हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है एंगेज विथ लीगल एक्सपर्ट्स। देखिए हर रेरा या GST या PMLA हर एक के एक्सपर्ट्स होते ही हैं, सो मेक श्योर दैट यू कंसल्ट विद देम। आप उनसे बात कीजिए, उनको उनकी बात समझिए, एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है आप उसी बेसिस पे आगे बढ़िए इसके अंदर। तो ये था कंप्लायंस का। अब देखिए कई लोगों को नोटिसेस आई हैं जो रेरा में रजिस्टर्ड थे लेकिन अब उनका रेरा इनएक्टिव है या उनका रेरा एक्सपायर हो चुका है, उनको भी नोटिसेस आई हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 20 लाख से ऊपर उनकी सेल नहीं हुई है या टर्नओवर नहीं है। सो क्या होगा इसमें, इट्स वेरी सिंपल, आप अपना स्टैंड लिख करके भेज दीजिए अथॉरिटीज़ को, रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को बताइए कि आपका रेरा एक्सपायर हो चुका है, आप अभी बिजनेस नहीं करते हो, आप इनएक्टिव हो, तो वो समझेंगे एंड प्रॉब्ली देल कट यू ऑफ फ्रॉम देयर। PMLA इज हेयर टू स्टे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको कंप्लाई करें। PMLA कोई हमें तकलीफ देने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी बिजनेस की इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए आप इसको इस तरह से लेंगे तो बड़ा आसानी से ये काम आप कर पाएंगे। क्योंकि एज रिस्पॉन्सिबल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स ये हमारा काम है कि हर लॉ को, हर रूल को हम फॉलो करें और अधेयर करें, एंड देन दैट इज हाउ वी विल मूव अहेड एंड आवर कस्टमर्स ऑल्सो विल स्टार्ट ट्रस्टिंग अस। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, रेलेवेंट लगा होगा। अगर आपको यूजफुल लगा तो प्लीज औरों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टिल वी मीट अगेन, गुड बाय, स्टे कंप्लायंट, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय।